जाने माने कोरियोग्राफर पुनीत पाठक अपनी गर्लफ्रेंड निधि मुनी से 11 दिसंबर को शादी करके जन्मों जन्म के बंधन में बन चुके हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर खूब धमाल भी मचा रही हैं। हर कोई इस नए कपल को उनकी इस न्यू जर्नी पर ढेरों शुभकामनाएं भी दे रहा है। देखा जाए तो पुनीत पाठक के बारे में वैसे तो हर कोई जानता ही है, लेकिन उनकी जीवन संगनी बनी निधि के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है कि आखिर निधि करती क्या है, कैसे निधि और पुनीत की मुलाकात हुई थी वगैरह वगैरह। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में निधि की पूरी कहानी के बारे में। निधि का जन्म 31 जुलाई 1988 को मुंबई में हुआ था। स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने आर्य पोर्टर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई महाराष्ट्र से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आपको बता दें कि निधि कई शोज के लिए बतौर क्रिएटिव कंटेंट टीम के लिए काम करती रही हैं। निधि ने कई बड़े रियलिटी शोज के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम किया है, जिसमें सारेगामापा, लिटिल चैंप, इंडियन आइडल, झलक दिखलाजा, बिग बॉस और दिल है हिंदुस्तानी जैसे कई बड़े बड़े शोज शामिल हैं। वहीं बात की जाए निधि और पुनीत की पहली मुलाकात की, तो इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी साल 2010 में, जब निधि झलक दिखलाजा सीजन 4 की क्रिएटिव टीम का हिस्सा थी। 2017 में दिल है हिंदुस्तानी के सेट पर वो दोस्त बन गए और जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक दूसरे को 2.5 साल तक डेट करने के बाद पुनीत और निधि ने 26 अगस्त 2020 को सगाई कर ली थी। वहीं अपनी शादी से पहले एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में पुनीत ने बताया था कि मिक्स इमोशंस हैं, निधि और मैं नॉर्मल होने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर आधे घंटे बाद मैं अपने दिमाग में भावनाओं का एक तूफान महसूस करता हूं। मैं शादी कर रहा हूं और मैंने निधि से इस बारे में बात कर ली है। अपने सबसे अच्छी दोस्त से शादी करने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि पुनीत जय पाठक और निधि मुनी ने 11 दिसंबर को लोनावाला मुंबई में सात फेरे लिए। आपको बता दें कि दोनों की इस शादी में उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। कोरोना को देखते हुए शादी में ज्यादा गेस्ट को इनविटेशन नहीं दिया गया था और अब इन दोनों की शादी की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।